नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई क्विट स्कूल। आशा करता हूँ कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसके टेक्निकल चार्ट देखेंगे और देखेंगे इसमें क्या ट्रेड लेना चाहिए और कैसे हमें प्रॉफिट्स हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, स्टॉक का नाम है HDFC बैंक। जी हाँ दोस्तों, HDFC बैंक। और ये जो चार्ट मैंने लिया है वो वन डे चार्ट है, वन डे। ठीक है, अभी हम एनालिसिस करेंगे कि ये HDFC बैंक में क्या हमें डाउनसाइड यानी सेल करना चाहिए कि बाय करके होल्ड करना चाहिए। ठीक है, वह निकाल देता हूँ मैं। दोस्तों, मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए, ये ऊपर का इसके हाई को लेते हैं, ये बना लिया, और फिर इसके सपोर्ट लेवल्स, ये सपोर्ट लेवल बनाए। मैं आपको इसमें ये दिखाना चाहता हूँ कि कितने दिन हो गए, 28 डेज हो गए, 28 डेज हो गए HDFC बैंक ये एक रेंज में है। ये जो दिख रहा है, जो मैंने दो लाइंस बनाए हैं, इसके बीच ये लेवल्स में है, इसके बीच में से 28 डेज निकाल दिए। फिर से निकाल देता हूँ, देखिए ये और ये लेवल्स में 28 डेज निकाल दिए, और ये अभी सपोर्ट लेवल पे, पूरा सपोर्ट लेवल पे HDFC बैंक। अगर ये सपोर्ट लेवल के नीचे यहाँ पर आज के दिन ट्यूसडे के दिन क्लोज कर देता है तो ये नेक्स्ट ये यहाँ तक रुकेगा, यहाँ पर आके रुकेगा 15, मतलब 200 पॉइंट्स का जो HDFC में गैप है, 200 पॉइंट्स, तो 200 पॉइंट आप अर्न कर सकते हो HDFC बैंक में अगर ये लेवल के नीचे क्लोज होता है, क्योंकि 28 डेज एक रेंज में इसे निकाल दिया HDFC ने, पूरे एक रेंज में। अब ये रेंज ब्रेक करेगा तो फॉर श्योर शॉर्ट ये यहाँ तक आएगा, ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक आएगा। तो दोस्तों, इस हिसाब से आप HDFC बैंक में ट्रेड कीजिएगा। ये लेवल को ज़रूर देखिएगा, ये लेवल ब्रेक होता है तो आप ऐसे एनालाइज कर सकते हो। दोस्तों, मान लीजिए कोई स्टॉक है, ऐसा उठ रहा है, फिर इतना उठ गया, फिर एक रेंज बाउंड, पूरे रेंज बाउंड में अगर चल रहा है, अगर ये रेंज बाउंड को अगर तोड़ता है तो फॉर श्योर यहाँ पर वीकनेस आएगी 100 से 200 पॉइंट की। SL ट्रेल करते करते होल्ड करने का, जब तक ऐसा आपका यहाँ पर SL है, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आया, ये आपका SL है, यहाँ टूट जाएगा, आपको इतने पॉइंट्स का तो प्रॉफिट मिला ना दोस्तों, वो प्रॉफिट्स को अर्न करने का, ऐसे ट्रेड करने का स्टॉक्स में। तो HDFC बैंक बहुत बेस्ट कैंडिडेट है आपको ये लेवल, क्योंकि पूरा सपोर्ट लेवल पे, मैंने सपोर्ट लेवल पे आपको वीडियो बना रहा हूँ, जैसे सपोर्ट लेवल गिरा यहाँ से 100-200 पॉइंट गिर जाएगा HDFC, बेस्ट टाइम है आपको अर्न करने का प्रॉफिट्स। तो HDFC बैंक को वॉच लिस्ट में लगाइए, डेली इसको देखिए, जिस दिन ये सपोर्ट लेवल को तोड़ेगा आपको विदाउट एनी टेंशन शॉर्ट कर सकते हो आप। SL ज़रूर लगा लीजिएगा, ऐसे नहीं कि आपने कोई पोजीशन ली और SL के बिना आप कर रहे हो, 2% जितना भी आपका कैपिटल है उसका 2% SL होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यही था इस वीडियो में HDFC बैंक के ऊपर, क्या टेक्निकल चार्ट में क्या पैटर्न बन रहा है, कौन से सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा तो मार्केट कहाँ आ सकता है, मतलब HDFC बैंक का स्टॉक कहाँ आ सकता है, ये मैंने व्यू बताया है, ये व्यू के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है, जो कि बिल्कुल फ्री है। और दोस्तों, एवरी संडे को जूम वेबिनार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में अटेंड करने मिलेगा। अगर आप इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले। थैंक यू।